ਸੰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਪੀਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਪੂਜਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ। लाहौर पुलिस ने मुझे बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। अच्छा। लाहौर पुलिस मेरी पहचान बनी है, लाहौर पुलिस ने मुझे बहुत सारी इज्जत दी है। इश्क दे या पेंडे या च हिजर दे या मारे या ने केड़े केड़े रोग नहीं जरे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बे पाया से आपका दामने उम्मीद भर दे और आज का दिन भी हमेशा की तरह आपका बहुत अच्छा गुजरे। रिमशा, आज हमारे प्रोग्राम में क्या कुछ है? आज हमारे प्रोग्राम में इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद है जो कि चलती फिरती जो है एक नॉलेज है और एक किताब है। और हमेशा ये तासुर किया जाता था कि जो पुलिस में भर्ती हो गया ना तो अब उसकी फीलिंग्स जो है इमोशंस जो है वो खत्म हो गए, अब तो बस गुस्सा ही गुस्सा है और उसमें प्रेशर ही, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर की है और इन्फोर्समेंट की एक जो है हमारा इदारा है तो ये तासुर अमूमी तासुर समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे। लेकिन फाइक पुलिस में भी बहुत से लोग हैं जो कि बहुत नरम दिल रखते हैं, बहुत हसास होते हैं और वो अपनी अपनी लिखने से बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं और वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी शायरी से अपने दीवानों से कि वो जो है वो भी दिल रखते हैं, दिल और वो जीत भी जज्बात। हाँ, ऐसी एक शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे शायर भी हैं, उसके अलावा एंकर भी हैं और साथ साथ में वो पंजाब पुलिस के साथ पूरे पाकिस्तान का फखर भी हैं। और आज हमने उनको प्रोग्राम में मधु किया है और उनसे जानते हैं कि ये सफ़र उन्होंने किस तरह से शुरू किया। और उससे पहले आपको बता दें कि हम आपको दिखा सकते हैं कि उनके जो किताबों का मजमू है, जो शायरी उन्होंने की अब तक, वो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। और शायरी भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा किताबें, इसके अलावा भी और बहुत सारी रिक्शा किताबें हैं लेकिन वो ला नहीं सकते थे, तो ला नहीं सकते थे और हमने उन्हें मना किया। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, मतलब अच्छा। लोग जो पीएचडी की जो थीसिस लिखते हैं, रिसर्च है उनके ऊपर, रिसर्च वर्क हो रहा है। मतलब आप कभी सोच सकते थे कि पुलिस में भी कोई ऐसा जवान होगा जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है? रिमशा, बिला ताखीर उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तनवीर जमान साहब, जो के नाम जाने जाते हैं वीर सिपाही के नाम से। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहला सवाल आपसे हम यही करेंगे कि आपका जो नाम है वो तनवीर जमान है, लेकिन आपको पंजाब पुलिस बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस वीर सिपाही के नाम से जानती है। वीर सिपाही नाम कैसे आपका लिया गया और इसका आगाज़ किस तरह से हुआ? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीर सिपाही तनवीर जमान से वीर सिपाही का सफ़र इतना ही है कि वारिस शाह के मैं गांव में पैदा हुआ, जिन्याला शेर खान, एक पंजाब का बड़ा गांव है। अच्छा। तो मेरे वालद साहब, मेरे दादा जान सारे वो पुलिस में थे, तो सिपाही घर का हो गया। मेरा शेर व सुखन से तल्लक था, मेरे अंदर शायर था, फनकार था, फ़कीर था, जो भी था वो बाहर आना था, तो किसी नाम के साथ ही उसने आना था। तो तनवीर जमान से जब मैं ढूंढता ढूंढता निकला तो एक और तनवीर मिला। अच्छा। वो तनवीर बुखारी थे, सैयद तनवीर बुखारी मुर्शद हैं, वो बड़े शायर हैं। फिर उन्होंने मुझे कन्वर्ट किया तनवीर से, उन्होंने कहा तन उतार दो, वीर निकल आएगा, वीर को सिपाही के साथ नथी कर दो। अच्छा। हो जाओगे वीर सिपाही। और उसके बाद तनवीर को किसी ने जाना नहीं है और वीर सिपाही को लोग जानते हैं। अच्छा, वीर सिपाही साहब आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, वो भी उसकी तरफ ही बढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहले आप एंकर भी हैं और आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप FM 95 जो पंजाब का पहला पंजाबी चैनल है उसके ऊपर बतौर एंकर पहले RJ वहाँ पर आपने शोज़ किए। तो आपसे हम ज़रा थोड़ी एक दरख्वास्त करेंगे कि हमें थोड़ा सा वो शो करके दिखाएं, क्योंकि आपके बहुत सारे लिसनर्स भी हैं, वो आपको इस वक्त देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आपको वो लाइव देखना चाहते हैं कि आप वो जो रात को एक प्रोग्राम करते हैं सन्नाटे में, वो किस तरह से उसका आगाज़ करते हैं? असल में वही एक फ़ख्र की दरवेश का मैसेज है, पुलिस से लेकर फौज से लेकर हम सब, हमारी धरती दरवेशों की है जी। बेसिकली हम है ही सारे दरवेश लोग हैं, वो तो एक माहौल किसी को कुछ भी बना देता है ना। धरती तो हमारी दरवेशों की है, फकीर मट्टी तो फकीरों की है ये। तो डोमिनेशन है वारिस शाह की, बुले शाह की शायरी में, सारे की, बाबे फरीद की, तो मैं भी उसी रंग में रंगा हूँ, आप भी उसी रंग में रंगे हैं।
तो मैं वही बात लेके मैंने क्या कि वारिस शाह का जो गांव है उसकी नुमाइंदगी भी करो और जुबान की भी, तो फिर एक फकर फकीरी प्रोग्राम क्रिएट किया बुखारी साहब के मशवरे से। पिछले बार 12 साल 13 से पहला एंकर ही मैं हूँ वहाँ का पंजाबी का। रात को मैं टेस्ट ट्रांसमिशन में वो लॉन्च किया करता था, मैं चलाया करता था। वो अब डॉक्टर शायस्ता नुजर थी, वो पहले हमारी डायरेक्टर थी, तो फिर उनके साथ मिलकर मैंने वो प्रोग्राम प्रोड्यूस किया फकर फकीरी ट्रांसमिशन। तो किस इस तरह से उसका आगाज हुआ करता था। मैं मेरी कोई जात नहीं, ना मैं शाह ना पीर, मैं आ बंदे पूजना रब दा एक फकीर। अजलों सुची सांझ दे सदके बन के रहिए सीरी, और अल मिल वीर हंडाइए फकरा नाल फकीरी। सूफिया दे रंगा च रचिया प्रोग्राम फकर फकीरी लेके थोड़ा मजमान थोड़ा मेजबान फकीर वीर सिपाही ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਐਫ ਐਮ 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਰਹੇਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। पूरी दुनिया ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है और किसी भी बंदे ने सुना गया। फिल्म 95 पे कौन बोलता है रात को वीर सिपाही, पूरी दुनिया जानती है। वो तो हम भी आज 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 पूरी दुनिया ने आपको देख भी लिया कि ये जो वीर सिपाही पता नहीं कौन सा था। 12 साल से मैं कर रहा हूँ। लोग कहते कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलने आए, कहाँ दफ्तर है, कहाँ आस्था ना। वो मुझे वो पीर फकीर समझते हैं ना शायद, दम झाड़े वाला, वो तीस गंडे वाला, इस तरह का समझते हैं शायद, इसने कोई आस्था ना बनाया हुआ है। वो तीस गंडे चला के लोगों को जितने भी पुलिस के जवान है टैलेंट है उसको लेकर आते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आपका आइडिया किस तरह से आया ये बनाने का? आइडिया ये इस तरह से आया, यहाँ यही कुर्बान लाइन है। 1986 में मैंने 26/11/1986 एज कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद 87 में मैंने ट्रेनिंग की उधर, मैंने कजाफी स्टेडियम में। अच्छा। कजाफी स्टेडियम मेरा ट्रेनिंग सेंटर था। सही। जब वहाँ पे हॉकी वाकी हुआ करती थी, इतना क्रिकेट शिकट कम ही था, दूसरे ग्राउंड भी कम ही थे, साइकिल को हुआ करता तो खुला ही था, जंगल ही था। अच्छा। तो वहाँ पे हम नीचे, वो बड़ा माहौल था, वो कमरों में जमीन पे हमने लेट के 12 महीने ट्रेनिंग की। अच्छा। हाँ जी, बगैर पानी के, बड़ी सख्त ट्रेनिंग, कमांडो टाइप ट्रेनिंग। अच्छा। तो ये जिधर ये बना नहीं हुआ अभी, ये आपका पिलाग बना हुआ है, ये एक नर्सरी हुआ करती थी, जहाँ मैं वैसे ही आके बैठ जाया करता, पौधों में खुशबूदार फूल में सूंघा करता था, जिधर बनी हुई है। तो वहाँ से मैं नजमें शजमें लिखता लिखाता सुनता सुनाता, जब कुर्बान लाइन पहुँचा हूँ मैं इसी लाइन में, तो यहाँ पे एक दिल में यही था कि बस करें पुलिस। अच्छा। की जॉब खत्म करें। हाँ। ये सारा कुछ तो मेरे पास है, तो मैं क्या करूं पुलिस। हाँ। में लेकिन वो वाला साहब का हुक्म था, वालदा साहब का, कि आप काम करना है, तो इधर ही था मैं कि मैं जा रहा हूं। तो पुलिस लाइन के वो अंदर हो रहा था एक ज़बरदस्त किस्म का परेड का फंक्शन था। हाँ। जिसमें हमारे जहांगीर मिर्जा साहब थे उस वक्त DIG लाहौर, वो परेड के मेहमान खसूसी थे। राणा मकबूल साहब SSP लाहौर थे, बड़े ज़बरदस्त हमारे वो मेरे मेहरबान अफसर हैं रहे हैं उस दौर में, भर्ती भी शायद उन्होंने किया मुझे। और उसके अलावा SP हेडक्वार्टर थे कलवे बाद साहब, मोहम्मद परवेज राठौर साहब थे SP एडमन जी, मतलब गुलनवाज थे DSP थे इसी लाइन के। अच्छा। मोहम्मद अशरफ इंस्पेक्टर साहब थे, इसी लाइन में इंस्पेक्टर थे वो। तो मैं इधर सिपाही था नया नया, घबराया हुआ सिपाही, तो वो जा रहा था मैं कभी जा रहा हूँ, बैंड बज रहा था, पीछे पीछे आऊंगा मेरी चाल बिंद आई चीर वाले वेख दाई वे मेरे लौंग वाचा। फिर सलामी सलूमी देख, मैं बस मैं कहूँ सलामी हो गई चलिए हूँ, मैं कहा माँ का हुक्म भी पूरा हो गया, पीर का भी हो गया सारा, मैं सफाई की ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो गई, मैं हूँ चलिए फनकार बनी है चल। मैं नवा यंग मुंडा सा। अच्छा। मैं तो नहीं ना प्रेशर, फनकार तो ना प्रेशर बर्दाश्त कर दे, फनकारों का प्रेशर है, मैं मैं तो चले हाँ, लेकिन अल्लाह ने कहा चले आ तू कि तेन इतनी भी फनकारी फनकूरी करनी है, तू इतनी बेच रहना इन्हें देखे तू चले है। उधर दी का आवाज, हाँ जी मेरा आवाज, उन्होंने कदम उठ देगा मेरे, मेरे कदम
लौंग मैं चलो आखिरी सीन देखी मैं हाँ भरा नचते पहले मेरे नाल दे हाँ मैं हाँ चलो मम्मी खुशी जी शामिल होवा भरावा तो मम्मी जाकर नचा ना भरावा फिर लौंग वाच मैं पहुंचा ना एक एक बार मैं देखना नचना पिछे एक बंदा आया लादा कोई फरिश्ता या कोई भी उन्हें मैंने पिछो धक्का मारिया फ्रैंक पेड़ लौंग वाच से डांस हो रहा कोई बेतुका कर रहा कोई एवं कर रहा कोई किवें कर रहा मैं हूं फनकार आना शुरू कर दिता मैं अपना जो शुरू किया मेरी दौड़ तो इंस्पेक्टर तक हवालदार पता कैप्टन की होंगे मैं एडमन साहब बैठे एस एस पी एडमन प्रोफेसर ठोर शहजादे अफसर आई जी वगैरह रिटायर हुए मतलब गोलनवाज बैठे डी एस पी अल्ला उन्होंने जन्ना नसीब करे बड़े खूबसूरत वो बैठे ने मैं नवा नवा सिपाही बिजली चली गई मैं खड़ोता मैंने कहते वादा ला नजमा सुना वो फलानी नजम सुना उन्होंने याद से मेरे सारे पुलिस फैन से मेरी मैं सुना शुरू हो जावा मैं सलूट करता मैं सर मैं नवा सर का मरूट हाँ जनाब भर्ती हुआ तो कुछ सर मेरे को आइटम ने मैं जनाब की खिदमत पेश करना चाहता उन्होंने जब सर देखो है कि पेश करना चाहना मैं सर मेरे पास कुछ आइटम है मैंने कहा हाँ करें सुना है मैं ज्यादा दो चार लतीफे सुने मैं कहकर नवा नवा एक सिपाही जनाब चौक चुक खड़ोता है ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहा पहले पहले दिन में मुलाजा फरमाओ सिपाही की ड्यूटी की सिपाही चौक चुक खड़ोता है सिपाही की एक्सप्रेशन पहला दिन सिपाही खड़ोता चौक चुक बड़ी बड़ी गड्डी लंघन डई आ जे अस इंजी खलोते रहे गड्डिया सारी लंघ जानी गड्डिया सारी लंघ जानी जी इंजी खलोते रहे उधर हमारे कड़ी गड्डी आन डई इस गड्डी दे विच पता नहीं केड़ा केड़ा बैठा है असीं तां साडा काम है सलूट ही करी जाना गड्डी हां जी साडा काम है गड्डियां लंघाई जानियां जिवें दे गड्डियां गड्डियां लंघाई इन्हें जी एक खातून आई है इंग्लिश बोलने वाली उन्हें राह पूछा नवे कांस्टेबल को पहले परेशान है आखिर मैंने मुंशी ने मरवाया मैं इतने अजय ड्यूटी मैं करनी ही कोई नहीं मैंने मुंशी ने ड्यूटी इतने ला छड़ी मेरी उन्हें गुलबर्ग वाले चौंक च खड़ोया जा इतने इतने आ खलोगा मैं अज आने नहीं ही खातून आई उन्हें आके ब्रेक लाई गड्डी च गाना लगा है तो ब्रेक लगी इंग्लिश गाना है तो खातून जरा थोड़ी मॉडर्न है तो उन्हें ब्रेक लगाई गड्डी गाना लगा है गुड बे जो ही गाइस गो मी मायो हे गाइस गो डॉल द बीट ऑफ द डाउन द बायो हिज सुपर रेस्पिरेशन ऑन द बायो कुकू ए बनेरा हे गिंगे बाहिं बबेलो एक्सक्यूज मी प्लीज कैन सी बी एक्सक्यूज मी Even Janice, I'm a 14-year-old host with 36 sector 5, please wait. Tell me about the guide karay mujhe. Namaz pai. Mainu akhand hai ye. Haan. Haan, haan, aap isse pooch rahi ho. Ye, kithe jana hai janab? Seat, I'm a 20-year-old host with 36 sector 5, please wait. Tell me about the guide karay. Haan. Ye, jithe descent hai, thi jana hai na. Ye, dekho, na, sidhe jau hai, jano. Allah nu yaad karke. अगे जाओगे कोई ना कोई खलोता होना मैं हूँ हसाई जा रहा अफसर अफसर हस रहे ने पब्लिक हस रही है सिपाही नजमा सुना रहे हैं एक इंटरटेनमेंट का माहौल बन गया है तो उन अफसर ने उस वे मैं होर मैं बड़े काशन सुनाए सी डी आई के काशन सुनाए जो जो मैं ट्रेनिंग सीख के आया सा मैं दाल किमें ले दी मैं नजमा सुनाइया सारिया मैं और कौन है ये लड़का भाजी नवा रंगरूर सिपाही कैप्टन कलवे बास अल्लाह जिंदगी दे बहुत प्यारे उन्होंने कहा अगले महीने हम चीफ मिनिस्टर साहब को बुला रहे हैं लाइन में बड़ा खाना होगा हाँ। तो वीर सिपाही तनवीर ये सारा प्रोग्राम आप बनाओ अच्छी अपनी टीम बनाओ पुलिस की टीम बनाओ तो फिर मैंने वो 88 में पुलिस कल्चर लिटरेरी सोसाइटी का संगे बुनियाद रखा लाइन में कुर्बान लाइन से मैं किला गुजर सिंह लाइन में चला गया मैं तो वहाँ पर जब सोसाइटी बनाई फिर गुलूकार वहाँ पे वो निकाले पुलिस में से एक्टर शायर दरवेश एक पूरा जो मेरा जहन में था वो सारे फिर अपने चीफ मिनिस्टर के सामने परफॉर्म किया फिर
प्राइम मिनिस्टर के सामने किया, फिर करते चले गए, करते चले गए। अच्छा तन्वीर साहब, आपने एक तो बड़े मजा अंदाज में जो है पुलिस वालों को, क्योंकि आपने देखा, महसूस किया और उनके ऊपर लिखा, इसके लिए आपको अवार्ड्स भी बहुत से दिए गए, उनके बारे में बताइए कि आपको कौन से अवार्ड्स मिले और कहाँ कहाँ से अवार्ड्स दिए। लातदाद अवार्ड्स हैं आप। बिल्कुल, जिधर भी गया हूँ, जिस जिले में भी गया, मैं पंजाब के 36 जिला में गया हूँ। अच्छा, पोस्टिंग रही आपकी? पोस्टिंग नहीं, मैं सिर्फ इंटरटेन के लिए। अच्छा अच्छा, बट एज आर्टिस्ट जब लाहौर से मुझे कॉल किया जाता था, पहले तो मैंने लाहौर में बना फंक्शन किए हैं, लाहौर पुलिस ने मुझे बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। अच्छा। लाहौर पुलिस मेरी पहचान बनी है, लाहौर पुलिस ने मुझे बहुत सारी इज्जत दी है, क्योंकि असल तो सारा जो रंग लगा लाहौर पुलिस की वजह से लगा है। पर रंग बंदे को कहीं भी हो, रंग अगर हो तो लग तो जाता ही है, लेकिन अगर रंग हो तो लाहौर में जरा जल्दी रंग लग जाता है, क्योंकि लाहौर में रंग ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल, वो जल्दी रंगीन रंगों में रंग जाता है। बड़ी पुलिस थी जी। तो बड़ी पुलिस के लिए मैंने काम किया इधर, चूंकि सारा बड़ा एक सेटअप था। अच्छा। तो मैं मुझे सारे अवार्ड पुलिस अवार्ड मुझे मिले, लिटरेचर में वारस शाह अवार्ड मिले, बुले शाह अवार्ड मिले, शायरी में मुझे मियां मोहम्मद बख्श कलंदर शहनशाह अवार्ड मिले, अमन अवार्ड मिले, मोटरवे पुलिस ने मुझे अवार्ड दिए, सदारती अवार्ड के लिए मुझे नामजद किया गया 2012 में। अच्छा वीर सिपाही साहब, आपकी शायरी की तरफ आते हैं, आपने शायरी पंजाबी में भी की है, उर्दू में भी की है, कोई एक नज्म हमें सुना दें जो अब तक की आपकी बहुत फेवरेट है और बहुत अच्छी लगती है आपको। इश्क दें या पेंडे या च हिजर दें या मारे आन केड़े केड़े रोग नहीं जरे, इश्क दें या पेंडे या च हिजर दें या मारे आन केड़े केड़े रोग नहीं जरे, पीत वाले गीत भुले अखियां चो रत डुले दिल पीड़ा नाल ने परे, पीत वाले गीत भुले अखियां चो रत डुले दिल पीड़ा नाल ने परे, फन दे फुलेवियां च जहर दे फुलेवियां च नांग सन सोच के लड़े, फन दे फुलेवियां च जहर दे फुलेवियां च नांग सन सोच के लड़े, सप लड़े सप नू जे आपे जरा सोच लो वो बेसपला केस नू चढ़े, हथां विच हथ पाए समय दे आ जालमां दे असी कदे पैर नहीं फड़े, हथां विच हथ पाए समय दे आ जालमां दे असी कदे पैर नहीं फड़े, साडे उत्ते वेलिया रोब कादा पावना है तेरे जेहे वेखे ने बड़े, आखे हीरे अंबड़ी नू कैदो मेरे इश्क ताई पाके माथे उखली छड़े, ए लंगड़ा शतान जेया होइया ना ही जेड़िया ओ गल्ला एवें कोलो ना घड़े, जीवने दी खैर होवे जीवना बचावना है मौत बैठी मार के थड़े, जीवने दी खैर होवे जीवना बचावना है मौत बैठी मार के थड़े, धुआं पिया उठदा है भावे मेरे घर विचों ओदी तस्वीर ना सड़े, धुआं पिया उठदा है भावे मेरे घर विच बहुत खूब ओदी तस्वीर ना सड़े, नदी सदा वगदी है अपनी ही मौज विच, नदी सदा वगदी है अपनी ही मौज विच, कोई भावे डुबे या तरे तारू नू ही चाहिदा है जिन्ने पानी विच होवे, तारू नू भी चाहिदा है जिन्ने पानी विच होवे बस ओने विच ही तरे, बहुत खूब बहुत खूब, इश्क दया पेंडिया च हिजर दया मारिया ने केड़े केड़े रोग नहीं जरे, ओ रब दा अवतार सी ओ हासिल गजल, हाँ जी, रब दा अवतार सी ओ कोई शाहकार सी ओ असी जेड़े मुख ते मरे, जीवने नू आख दे ओ रब ओ रब दा अवतार सी ओ कोई शाहकार सी ओ असी जेड़े मुख ते मरे,
दिन सी गुजार लैने, दिन सी गुजार लैने, यारां बाजो सार लैने, बुते साथों जिवें ने सरे। बहुत आला, जरा परा वेख लेने, जरा परा वेखड़े लई, नवां नाल खोतरे ने असां पक्की कंध च दरे, जीवने नूं आखदे हो मौत दियां पांदियां दे पैरां उत्ते पैर ना तरे। आंदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके पास माशाल्लाह इतना वास्ट नॉलेज है और इतना कुछ बात करने को है, लेकिन ये प्रोग्राम का वक्त जो है कि दिल हमारा भी नहीं कर रहा था, लेकिन वक्त लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म है। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाते रहेंगे और आप हमारे साथ देखते रहेंगे वीर सिपाही साहब को। और इसके साथ ही साथ हमें इजाजत दीजिए, मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और हम जो है दोबारा भी अपने। और रिमशा एक और बात, अगर आपके पास भी कोई ऐसा पंजाब पुलिस के हवाले से कोई टैलेंट मौजूद है तो आप लोग हमें टैग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसको अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे। मजीद टैलेंट के साथ, मजीद बातों के साथ और मजीद अच्छी अच्छी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। मुझे और इमशा को दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक और कमेंट कर सकते हैं। इसी बात के साथ सेफ रहे, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।